मैं डॉक्टर सुनीता जैन, सीनियर लेक्चरर, ब्यूटी कल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। मैंने आपको पिछले दो वीडियोस में होममेड फेस पैक बनाना बताया था। इसी सीरीज़ में आज मैं आपको नेक्स्ट जो होममेड फेस पैक बताऊंगी वो बताऊंगी ऑयली स्किन के लिए। ऑयली स्किन जैसा कि सब जानते हैं, चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, चेहरे के रोम छिद्र बड़े होते हैं, स्किन की थिकनेस ज़्यादा होती है। इस प्रकार की स्किन को संभालने के लिए जो फेस पैक हम बनाने जा रहे हैं वो पैक इस प्रकार है। ऑयली स्किन के लिए जो हम फेस पैक बनाएंगे उसमें इस प्रकार की सामग्री का यूज़ करेंगे जो कि स्किन के ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले और स्किन की देखभाल करें, क्योंकि इस प्रकार की स्किन में बहुत ज़्यादा तेल निकलता है, इसलिए कील मुहासों की भी समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इसे संभालने के लिए इस प्रकार का फेस पैक हम काम में लेंगे। इसमें काम में आने वाली सामग्री है मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच, चंदन का पाउडर 1/2 चम्मच, नीम के पत्तों का पाउडर 1 चम्मच, टमाटर का जूस 2 चम्मच। ऑयली स्किन का फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले जिस सामग्री का नाम आता है वह है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी त्वचा से गंदगी को निकालती है और त्वचा में होने वाले किसी भी प्रकार की खुजली से राहत दिलाती है। मुल्तानी मिट्टी न सिर्फ त्वचा की गंदगी को निकालने में मदद करती है बल्कि तैलीय और शुष्क दोनों प्रकार की त्वचा के लिए तेल उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। कई बार त्वचा से अत्यधिक तेल निकलने से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और इसी वजह से कील मुहासे होने लगते हैं। ऐसे में मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाने से त्वचा से निकलने वाला तेल नियंत्रित होगा, साथ ही इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। यह ह्यूमेक्टेंट का भी काम करता है, यानी आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर जो होता है उसको लॉक कर देगा, जिससे स्किन सफल रहेगी और सॉफ्ट रहेगी। ऑयली स्किन के फेस पैक में काम में आने वाली अगली सामग्री का नाम है चंदन का पाउडर। चंदन पाउडर और उससे बना फेस पैक चेहरे पर पड़े गहरे दाग धब्बों, झाइयों और झुर्रियों को भी दूर करता है। यह स्किन को टाइट बनाता है और त्वचा में निखार भर कर उसे चमकदार बनाता है। अगली सामग्री है नीम के पत्तों का पाउडर। नीम के टहनियों को तोड़कर उसके पत्तों को सुखाकर उन्हें पीस के छान के नीम के पत्तों का पाउडर तैयार किया जाता है। नीम के पत्तों में कुछ ऐसे गुण और तत्व पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया से लड़ते हैं। इसके कारण कई प्रकार के त्वचा के रोग हमसे दूर रहते हैं। नीम मुहासों से हुए निशान को मिटाने में मदद करता है। यह त्वचा को नरम बनाता है और मुहासों को ठीक करता है। नीम छिद्र को खोलता है और त्वचा से हर तरह के निशान हटाता है। यह टमाटर का जूस। स्किन के लिए टमाटर के बहुत सारे फायदे होते हैं। टमाटर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। टमाटर का रस यूज़ करने से स्किन चमकदार और खूबसूरत दिखती है। एक्ने करे कम। टमाटर में मौजूद विटामिन ए, बी, सी और के चेहरे के एक्सेस ऑयल को कम करने में मदद करते हैं। एक्ने जब हो जाता है तो उसे साफ करने के लिए टमाटर का जो रस है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये स्किन के पोर्स को लॉक कर देता है, अंदर से स्किन का जो ऑयल निकल रहा है उसे रोकने में मदद करता है, जिससे त्वचा पर एक्सेस ऑयल की समस्या का निदान होता है। अब हम देखते हैं कि ऑयली स्किन के लिए किस प्रकार से फेस पैक तैयार किया जाता है। उपरोक्त सभी सामग्री को मिला लें और तैयार लेप को चेहरे पर लगा लें और सूखने पर पानी से साफ कर लें। यह फेस पैक ऑयली स्किन के लिए बहुत ही उपयोगी फेस पैक है। इसे लगाने के लिए आप हर चौथे दिन
इसे लगा सकते हैं।